सो हाय ऑल, इस वीडियो में हम मोबेक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के बारे में देखने वाले हैं कि मोबेक्स लाइब्रेरी है क्या, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और मल्टीपल स्टोर्स को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट हम एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. बैकएंड से लाइक सर्वर से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं और मल्टीपल चीजें जो भी हम मोबेक्स में होती है, मैं वो चीजें ट्राई करूंगा कवर करने का. ओके, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं लाइक यूट्यूब पे जो इन्होंने डिमांड की कि लाइक मोबेक्स एक गुड लाइफ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है. सो मैं इसके ऊपर कुछ ट्यूटोरियल बनाए, तो मैं लाइक एज पर हिज रिक्वेस्ट और मल्टीपल रिक्वेस्ट विच आई कम, तो ऑन दैट बेसिस आई एम मेकिंग वीडियो ऑन मोबेक्स. एंड सो लेट्स स्टार्ट गाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक अगर आपको और भी कोई टॉपिक है कवर करना हो या फिर आपके पास कोई फीडबैक है और इससे रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज लेट मी नो, और मैं इस वीडियो को लाइक एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ. ओके, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अगेन मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट. सो स्टेट मैनेजमेंट एक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन के स्टेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स हाउ आवर एप्लीकेशन हैंडल डेटा इन अ कॉम्पोनेंट, शेयर द डेटा बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स, और वेन वी फेच द डेटा फ्रॉम द बैक एंड हाउ वी विल हैंडल इट, हाउ वी विल लाइक सो द स्पिनर लोडिंग मल्टीपल प्लेसेस. सपोज आपका एक डेटा है जो आपको यूआई पे स्पिनर दिखाना है, टू टू थ्री कॉम्पोनेंट्स, तो हमको एक एक मेन प्लेस पे रखना पड़ेगा एंड ग्लोबल लेवल पे, और जो जिससे कि हमारे मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स उसको शेयर कर पाए. ओके, लोडिंग फैचिंग एरर स्टेट, अगर बैकएंड से कोई डेटा आता है तो हम कैसे शो करेंगे, और बिटवीन कॉम्पोनेंट्स हमारा डेटा कैसे मैनेज होता है, तो शेयर होता है सॉरी. सो फॉर डैट हमको एक इसके लिए स्टेट मैनेजमेंट लगती है. ओके, सो स्टेट मैनेजमेंट लाइक मल्टीपल वे से हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं. कॉम्पोनेंट लेवल पे कर सकते हैं, कंटेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं लाइक यूज स्टेट, और कंटेक्स्ट के थ्रू, रिडक्स के थ्रू. रिडक्स एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, लाइक मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस यूज द रिडक्स एंड मोबेक्स आल्सो. ओके, सो मोबेक्स एंड रिडक्स आर बोथ आर द ब्रदर ब्रदर, सो बोथ आर आल्सो मीन्स बोथ दोनों फीचर्स सेम से हैं, सिर्फ वे है डिफरेंट डिफरेंट काम करने का. ओके, सो रिडक्स टूल किट ने बहुत पावरफुल फीचर्स लेके आई है. अगेन सो मोबेक्स भी सेम है. सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या यूज करना है, वो आप डिसाइड करोगे एज पर योर एप्लीकेशन. एंड रिकॉइल, अभी आजकल रिकॉइल भी बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, सो मैं ट्राई करूंगा रिकॉइल पे भी एक फुल फ्लैश वीडियो बनाने के लिए. ओके, सो लाइक देर आर मल्टीपल फैक्टर टू डिसाइड मीन्स हम कौन सी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज करें. ओके, यहाँ पर लाइब्रेरी आएगा एंड लाइक मीन्स एज पर मी, एक तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऐप और हाउ मेनी कॉम्पोनेंट नीड टू शेयर द डेटा. कितनी बिग अपनी एप्लीकेशन बन रही है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, और कितने लाइक टाइम्स अपने को डेटा को आपस में शेयर करना डेटा को. ओके, सो अगर आपके लाइक स्मॉल स्टेट है, जैसे स्मॉल स्टेट लाइक कॉम्पोनेंट लेवल पे या 1 to 2 कॉम्पोनेंट, तो हम यूज स्टेट या कंटेक्स्ट का यूज करते हैं, राइट. और मीडियम मीडियम स्टेट के लिए हम रिकॉइल का यूज कर सकते हैं. रिकॉइल अगेन मैं इस पे फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपके पास आने वाला हूँ. लार्ज स्टेट के लिए ना, जैसे आपकी लार्ज स्टेट है, आपका बिग एप्लीकेशन है, उस केस में हम रिडक्स या मोबिक्स को लाइक प्रेफर करते हैं. एंड मीन्स ये वे है, ऑन डेट बेसिस आप देख सकते हो कि आपको क्या यूज करना चाहिए. मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जैसे आपको कोई डिसाइड करना है तो आप क्या करो, एक दोनों से एक प्रोजेक्ट बना के देखो पीओसी टाइप से, और फिर देखो कि आपको किससे बेनिफिट जा रहा है, तो आप वहां पर जाओ. ओके, सो अगेन नाउ लाइक व्हाट इज मोबेक्स स्टेट लाइब्रेरी. सो इट इज एन ओपन सोर्स, अगेन ये ओपन सोर्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है. इट हेल्प्स टू मैनेज द लाइक स्टेट इन द वेब एप्लीकेशन. वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी इन अ लार्ज एप्लीकेशन. इट्स अ सेम लाइक अ रिडक्स, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने जो लिखा हुआ है. अगेन इट इज स्टैंड अलोन, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्रंट एंड लाइब्रेरी. इसका एक बेनिफिट ये है इसका कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. आप इसको फ्रंट एंड बैक एंड लाइक सॉरी, आप जो हमारे जैसे मल्टीपल्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है लाइक रिएक्ट हो गए, व्यू हो गए, एंगुलर, आप किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हो. इसलिए बहुत मेरे को ये बहुत पसंद है कि इसमें
आपका रिएक्ट से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लाइब्रेरी है तो आप रिएक्ट के साथ यूज करोगे, इस टाइप से कुछ भी। ओके, सो मोबेक्स के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक रिडक्स में भी सेम है, जस्ट उन्होंने नेमिंग अलग अलग कर दी है। ओके, जैसे मोबेक्स और रिडक्स दो डिफरेंट फैमिलीज हैं और उनके खुद के कुछ मेंबर्स हैं, और हर मेंबर का उन्होंने अपना नाम अलग कर दिया है। काम वही हो रहा है कि इवेंट ट्रिगर होगा, इवेंट से एक्शन ट्रिगर होगा, एक्शन से हमारी स्टेट अपडेट होगी और यूआई अपडेट हो जाएगा, और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे दिए हैं जिसके थ्रू हम ये सभी एक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक ये दो फैमिलीज हैं, रिडक्स एंड मोबेक्स, दोनों के अपने डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं कंसेप्ट के, जस्ट काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। ओके, सो अगेन स्टेट इज अ डेटा, अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। स्टेट इज अ डेटा दैट ड्राइव्स योर एप्लीकेशन, सो स्टेट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, एरे और प्रिमिटिव वैल्यू। तो क्या होता है स्टेट, एक लाइक डेटा होता है दैट ड्राइव्स योर एप्लीकेशन। स्टेट जैसे कोई भी एक स्टेट ला लो, लाइक बैकएंड से आ रहा है यूजर इन्फॉर्मेशन। ओके, पूरी यूजर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और आपके कौन सा लाइक थीम कौन सा, लाइक डार्क मोड है या फिर मोड टाइप से जो होता है लाइट मोड है। ओके, तो ये स्टेट हो सकती है, स्टेट कैन बी एरे, कैन बी ऑब्जेक्ट, कैन बी प्रिमिटिव वैल्यूज। ओके, तो स्टोर क्या होता है, स्टोर क्या होता है, स्टोर है जो इन स्टेट्स होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर, लाइक कंबाइन करके एक स्टोर बना देते हैं। एक ही प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें मल्टीपल स्टेट्स होती है। ओके, द मेन स्मॉल स्टोर इज टू मूव द लॉजिक एंड स्टेट आउट ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट कैन बी यूज इन मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स। अगेन, तो फिर क्या होता है कि स्टोर होता है जो मल्टीपल लाइक स्टेट को कंबाइन करके एक स्टोर बना देते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, हमारी हेल्प क्या करते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट को शेयर करने में। ओके, लाइक कंपोनेंट्स में जो एक स्टोर है उसको हम एक्सेस करेंगे अपने यूआई पे और उसको मल्टीपल यूज कर लेंगे। तो स्टोर इज एनी डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव वैल्यू। वी शुड मार्क ऑल द वैल्यू इन स्टोर एज ऑब्जर्वेबल सो डेट मोबेक्स कैन ट्रैक देम। तो अगेन हम इसको ऑब्जर्वेबल बना देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओके, सो ऑब्जर्वेबल क्या होता है कि जैसे आपने कोई मोबाइल स्टेट में कुछ चेंजेस किए, वो यूआई पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तो उसको हम ऑब्जर्वेबल लाइक मोबाइल कहेगा, तो ऑब्जर्वेबल के थ्रू उसको अपडेट करता है, ट्रैक करता है स्टेट्स की वैल्यूज को। एंड एक्शन क्या होता है, एक्शन अगेन एक मेथड होता है जो मैनिपुलेट और अपडेट द स्टेट। लाइक अपडेट करने में हम जो भी स्टोर की जो भी स्टेट्स होती है ना, उसको हम ओनली एक्शन के थ्रू ही अपडेट करते हैं। सो वी कैन ट्रिगर एक्शन, और लाइक हम कैसे कैसे ट्रिगर कर सकते हैं एक्शन को, यूजर इवेंट पे, बैकएंड डेटा पोस्ट, शेड्यूल इवेंट, वट एवर। लाइक बटन क्लिक किया, एक एक्शन परफॉर्म हो गया और वो बैक और स्टेट को अपडेट कर देगा, एंड स्टेट अपडेट होगी तो आपका यूआई अपडेट हो गया। एंड ऑब्जर्वर क्या होता है, ओके, ऑब्जर्वर इट इज एन हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट, एक हायर ऑर्डर ऑब्जर्वर, एक मोबेक्स ने एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट बना के दे दिया है। तो वी यूज ऑब्जर्वर इन द रिएक्ट कॉम्पोनेंट। ओके, सो इट विल हेल्प टू रेंडर द कॉम्पोनेंट, अपडेट द यूआई इफ स्टेट चेंजेस। अगेन, सो ऑब्जर्वर क्या करता है कि ये एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट है जो कि क्या करेगा कि जो भी स्टेट, अगर बाई चांस स्टेट में कुछ भी अपडेट्स हुए, ओके, सो वो यूआई पे हमको चाहिए, हमको कॉम्पोनेंट को रिरेंडर करना है, सो वो ऑब्जर्वर हमारे हमारे लिए करता है। सपोज एक काउंट है, काउंट की वैल्यू आपने अपडेट की 1 2 3, एंड जैसे ही काउंट की वैल्यू, तो आपको यूआई पे दिखाने का काउंट कितना है टोटल, सो वो क्या करता है ऑब्जर्वर, ओके, ऑब्जर्वर बैकएंड पे चेक करेगा, स्टेट में चेक करेगा, हाँ भाई ये वैल्यू चेंज हुई है प्रीवियस टू न्यू, कंपेरिजन करके चेंज हुई तो यूआई में अपडेट कर देगा। तो वो किसका काम होता है, ऑब्जर्वर का। एंड अगेन ये होता है हाउ डेटा फ्लो इन मोबेक्स। सो पहले क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है, यहां से लेते हैं, देख पहले क्या, वो इवेंट ट्रिगर होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बटन है काउंट का, एक स्टेट ले लो, काउंट एक स्टेट है, मैंने यूआई से बटन क्लिक किया प्लस का, तो काउंट ट्रिगर हुआ, तो इवेंट ट्रिगर हुआ, इवेंट ट्रिगर हो तो एक्शन पे फंस गया। एक्शन ने क्या किया, ऑब्जर्वर स्टेट मीन्स अपडेट किया स्टेट को, और फिर कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू मीन्स क्या करता है, मोबेक्स का एक ये भी एक कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है कि वैल्यू कंप्यूट होती है, कंप्यूट होना कि जैसे काउंट है, ओके, करंट काउंट की वैल्यू क्या है, जैसे आप कोई ये भी कर सकते हो, जैसे एक एरे है, एरे में से आप फिल्टर आउट कर सकते हो चीजों को। ओके, सिर्फ आपको इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, आप कंप्यूट कर रहे हो वैल्यू को, लाइक आपकी जो आपको यूआई पे यूज करना है। ओके, और फिर क्या होगा, साइड इफेक्ट मीन्स यूआई पे वो जो भी वैल्यू अपडेट हुई है वो लाइक यूआई पे अपडेट हो जाएगी। सो इसका मीनिंग ये है। अभी मैं 1 मिनट रुको, मैं एक आपको एक इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, तब आपको ये चीज समझ आएगी।
तो इससे समझते हैं हम। देखो ये मैंने मोबेक्स की वेबसाइट से कॉपी किया है। जस्ट स्क्रीनशॉट है ये। तो पहले का था इवेंट ट्रिगर होगा, इवेंट ट्रिगर होगा तो एक्शन होगा, एक्शन के बाद अपडेट होंगे ऑब्जर्वेबल स्टेट, लाइक स्टेट अपडेट हो जाएगी। अब स्टेट अपडेट हो जाएगी तो नोटिफाई करेगा वो कंप्यूटेड वैल्यू, लाइक कंप्यूट हो जाएगी वैल्यू उसको। और फिर ट्रिगर होएगा साइड इफेक्ट, मीन्स यूआई लाइक रिरेंडर हो जाएगा यूआई कंपोनेंट। सो ये एक फ्लो है मोबेक्स का। ये था एक थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके हम क्या करेंगे, एक अगेन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर एक स्टोर बनाएंगे, एक रूट स्टोर बनाएंगे, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर किया है गाइज। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स ऑल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें।